मैं यहाँ एक स्वीनियर शॉप में हूँ। यहाँ तातार चीज़ के कल्चर के रिलेटेड, हेरिटेज के रिलेटेड चीज़ें हैं। एक मैं ले रहा हूँ ये पोस्ट कार्ड। यू लाइक टू से समथिंग टू पाकिस्तानी पीपल्स? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स फ्रॉम कज़ान, रिपब्लिक ऑफ तातारिस्तान। आज 24 मार्च है। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे शायद जून या मई का महीना होगा, क्योंकि मेरा अभी दुबई के व्लॉग्स चल रहे हैं। मैं 3-4 दिन पहले यहाँ आया था कुछ अपने पर्सनल काम से, लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम मिला था तो मैं यहाँ। एक मस्जिद है बड़ी पुरानी, मरजानी मस्जिद के नाम से, जो 1767 में बनाई गई थी, और उसके पास जो तातार कल्चर है उस तरह उसकी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। ये टूरिस्ट के लिए इलाका बड़ा मशहूर है, तो मैं ये देखने आया था। और ऊपर से नमाज का टाइम भी है, ताकि नमाज भी पढ़ लेंगे। ये मस्जिद 1767 में कैथरीन सेकंड, जो कैथरीन थी, कैथरीन द ग्रेट, उसने बनवाई थी जब सोवियत यूनियन में इस इलाके में मस्जिदों को अलाउ किया गया था। ये मस्जिद है और उसी की इजाज़त से ये बनी थी, कैथरीन सेकंड की इजाज़त से। और इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि जब सोवियत दौर में बाद में आके मुसलमानों पे काफ़ी पाबंदियाँ लगी थी, मस्जिदों को बंद किया गया था, तो तब उस दौर में सारी मस्जिदें बंद हो गई थी, लेकिन ये मस्जिद तब भी खुली रही थी। इसकी जो तमीर है वो 1767 में स्टार्ट हुई थी और 3 साल में ख़त्म हो गई थी। और जस्ट 62 बंदे थे जिन्होंने 5,000 रुबल उस वक्त की करेंसी को फंड किया था, और उससे ये मस्जिद 3 साल में बनी थी। बड़ी प्यारी मस्जिद है, साथ में मदरसा है, औरतों के लिए अलग है। वो मैं अब अंदर जाके दिखाता हूँ और इस इलाके को एक्सप्लोर करते हैं। मार्च का महीना है जब पाकिस्तान में अच्छी भली गर्मी आ गई है। मैं पिछले दिनों दुबई था, वहाँ भी अच्छी गर्मी थी, लेकिन यहाँ अभी तक तकरीबन रात को तो -3-4 टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन दिन में अभी
सुबह भी -1-2 था, अभी +2 है, तो यहाँ अभी अच्छी भली ठंड है कि हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। Magazin Svinire. मैं यहाँ एक स्वीनियर शॉप में हूँ। यहाँ तातार चीज़ के कल्चर के रिलेटेड, हेरिटेज के रिलेटेड चीज़ें हैं। ये स्काफ है, बहुत प्यारे हैं, देखिए ये हाथ के बने हुए हैं, मैंने एक लिया है घर के लिए गिफ्ट। और ये कैप है, आपने शायद देखे होंगे तातार लोगों ने ऐसी पहनी होती हैं। ये पुरानी वो पड़ा है, चरखा टाइप की चीज़ है, और इसको क्या कहते थे, ग्रामाता फोन, आई डोंट नो, ऐसा कुछ कहते थे जो पुराने दौर में होते थे। तस्वीरें बड़ी प्यारी हैं, तस्वीर कल मैंने वो मस्जिद कुलशरीफ गया था वहाँ से ले ली थी। ये जो हाथ की बनी होती हैं प्लेटें, इन पे डिफरेंट कलर की होते हैं, चम्मच वगैरह लोग लेके जाते हैं इन पे, जो यहाँ की जो पॉपुलर प्लेसेस हैं उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। मैंने एक ये स्काफ लिया है, इधर काफ़ी प्यारे प्यारे चादरें हैं, शॉल टाइप हैं, और मैंने एक मैं ले रहा हूँ ये पोस्ट कार्ड कज़ान का, तातारिस्तान का। एक माई बाबा बैठे हैं, बड़े प्यारे हैं। और मैं एक ले रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप स्टिकर, इस पे कज़ान लिखा हुआ है और इस कज़ान की जो पॉपुलर प्लेसेस हैं उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। तो मैं जिस भी नई जगह पे जाता हूँ, मतलब चेचनिया, दागिस्तान वगैरह गया हूँ, दुबई या जिस भी सिटी में जाता हूँ ना, वहाँ के ये स्टिकर ले लेता हूँ, मिलते हैं यहाँ हर जगह। जैसे ये भी है, तो मैं अपने घर फ्रिज पे लगा रहा हूँ, वहाँ काफ़ी भर गए हैं, और मतलब ये मेमोरीज़ ये ले जा के, यहाँ से लोग ले जाकर अपनी फ्रिज वगैरह पे लगाते हैं मोस्टली ना, तो मेरे घर में काफ़ी हो गए हैं। अच्छा, इधर ये देखें शहद वगैरह है, डिफरेंट फ्रूट मिक्स हैं इसमें, ड्राई फ्रूट। इधर चाय हैं डिफरेंट, जो आप कह लें कि एक मिनट में चेक करता हूँ, ये ब्लैक लिखा हुआ है, नो रेड है, ये ग्रीन है, और डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स की चाय हैं ये। और इसके बाद इस साइड पे मिठाई है, इस साइड पे अभी मिठाई है, कुछ समोसे वगैरह हैं। ये यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है ये वाली, लोग जैसे, मैं मुल्तान से हूँ तो मुल्तान का सोन हलवा मशहूर है, यहाँ की सबसे ज़्यादा ये चीज़ मशहूर है जिसे कहते हैं चक चक, बहुत ही मज़ेदार है। मैं लास्ट टाइम आया था पिछले साल, तब मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, तो मैं ये काफ़ी सारी लेके गया था फ्रेंड्स के लिए। इस साइड पे छोटा सा इनका रेस्टोरेंट है, यहाँ भी स्वीनियर्स वगैरह जो हैं तातार कल्चर के रिलेटेड लगाई हुई हैं, बड़ी प्यारी। तो ये शॉप है, ख़रीदारी हमने कर ली है, पेमेंट करते हैं स्कूल का। $580 What's your name? I'm Yulia. Yulia. Nice to meet you. Nice to meet you. So I'm from Pakistan. Would you like to say something to Pakistani yeah, of people? Course. I just want to say that we will be very glad to see you in our city. And so welcome to Tatarstan. And I just want to say that we have a very huge
number of places, yeah. Very interesting yeah. places, and also we have Kuf Sharif. Yes. It's a very beautiful, mosque. How can I say? Mosque. Mosque, yeah. Thank you. Thank you. मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, मैंने इसका तारफ़ ही नहीं करवाया. इसका नाम है दीमा. ये एक और सिटी है, यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर, निजनी नोवगोरोद. ये वहाँ से आया. हमारी मुलाकात हुई थी 2020 में. हम एक फोरम पे, शायद आपने मेरी वीडियो देखी थी, यूरो एशिया पे हम गए थे, तो हम इकट्ठे वहाँ वॉलंटियर थे. मैं कज़ान आया हूँ, तो इसने कहा मैं भी आ रहा हूँ. ये कल ही पहुंचा है, मुझे 2-3 दिन हो गए आए को. मैं कुछ अपने काम कर रहा था, तो आज हम इकट्ठे घूमने के लिए निकले हैं. मस्जिद से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, तो ये इस तरह के आपको घर मिलेंगे, लकड़ी के बने हुए ना. ये ओल्ड तैतार कल्चर के यहाँ इन्होंने दिखाया हुआ है, और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये ना. इस एरिया में ना ऐसे ही घर हैं. Здравствуйте. Снимают не запрещен? Можно, можно, можно. Ага. Могу вас упростить, Глинт Вина безалкогольный. Напиток Султан называется. Там индии, калий, шипы. У нас всем будет бесплатно, а дальше потом вот хотите? Хорошо. Так, ну вот вот белый, там что здесь стакан. Какой вот турецкий кофе. Вот 10 рублей упаковка, да. Цели, кстати, старые. तातारिस्तान में बहुत टूरिस्ट आता है. ये हम इधर मस्जिद साइड से निकल रहे हैं, तो कोई ग्रुप आया खड़ा है टूरिस्ट का, जो डिफरेंट सिटीज से आते हैं, तो वो यहाँ ग्रुप टूर से आते हैं और गाइड के साथ में. आप मस्जिद साइड से आएंगे ना, तो सामने ये झील है. इतना रिका है लियोज़र. हाँ, ये झील है. मैंने दोस्त से पूछ रहा था ये झील है या दरिया है, तो उसने कहा झील है. मैं अक्टूबर में आया था पिछले साल इसी जगह पे, तब मैं बताया था व्लॉगिंग नहीं की थी, तो ये सारी जगह ना झील थी, पानी था. और अभी हालांकि आज 24 मार्च है, और ये अभी तक फ्रीज है बिल्कुल. देखें, अब थोड़ा थोड़ा ओए डोगी आ गया. अब थोड़ी थोड़ी शुरू होगी ये बर्फ़ पिघलना, लेकिन आप देखें जहाँ तक अब बर्फ़ अभी जमी हुई है. इस ऊपर साइड पे आप देखेंगे तो वो मरजानी मॉस्क है. ये सारा इलाका ये ततार कल्चरल एरिया है.
आप रशिया में हो, काजान में हो और आपको दाल रोटी मिल जाए, और क्या चाहिए? ये देखें दाल और ये रोटी। मेरा दोस्त है ना ये जो दीमा, इसको पिछले दिनों से ना पाकिस्तानी इंडियन फूड का बड़ा चस्का लगा हुआ है। ये पिछले दिनों कहीं पीटरबर्ग में गया था, तो इसने कहीं वहाँ ट्राई किया, वहाँ भी काफ़ी रेस्टोरेंट हैं, अच्छा लगा। तो कल शाम भी हम साथ थे, तो यहाँ एक रेस्टोरेंट पे खाया था, आज एक दूसरे पे आए हैं। यहाँ पाकिस्तानी इंडियन फूड है, ये इंडियन रेस्टोरेंट है। हमने दाल तड़का लिए और साथ रोटी है, तो अभी ये ट्राई करते हैं। ये व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, आगे कहीं निकलते हैं तो एक और व्लॉग शायद बनाऊँ, क्योंकि आज का दिन मेरे पास फ्री टाइम है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।